तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ 160 सीसी की दो मोस्ट पॉपुलर मोटरसाइकिल, जिसमें हमारी पहली मोटरसाइकिल है बजाज की NS 160, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। एंड हमारी जो सेकंड मोटरसाइकिल है ना, वो है TVS की अपाचे RTR 160। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों भी मोटरसाइकिल्स का ना एक डिटेल कंपेरिजन करने वाले हैं। एंड एंड ऑफ द वीडियो में बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इन दोनों भी मोटरसाइकिल्स के लुक्स के बारे में बात करेंगे। तो NS में जो है ना, आपको एक नेकेड वुल्फ वाले लुक एंड फील मिल जाते हैं। एंड ये मोटरसाइकिल दिखने के लिए थोड़ी बड़ी दिखती है, थोड़ा सा बल्कि लुक एंड फील आपको प्रोवाइड करती है। बट वहीं पे हम RTR का लुक देखेंगे। तो RTR में आपको जो ना एक स्पोर्टी लुक मिलता है, बहुत सारे एजेस मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे जो शार्प एजेस इस मोटरसाइकिल में मिलते हैं। एंड देखने के लिए बाइक जो ना थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है, थोड़ी सी छोटी लगती है। बट दोस्तों, इनके प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो NS की जो कॉस्ट पड़ती है ना आपको, वो है 1,34,000 रुपीज एक्स शोरूम मुंबई। एंड जो RTR की आपकी कॉस्ट पड़ेगी, वो है 1,31,000 रुपीज एक्स शोरूम मुंबई। मतलब जो दोनों की भी प्राइसिंग में आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं मिलता, 2-3 हज़ार का ओनली प्राइस डिफरेंस मिलेगा। बट दोस्तों, इनके फ्रंट पोर्शन के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में आपको RTR में एक कंप्लीट LED सेटअप मिल जाता है, जहाँ पे आपको LED जो ना फ्रंट हेडलैम्प मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको ये DRLs वगैरह भी जो ना LED में मिलते हैं। बट इसके जो टर्न सिग्नल्स है वो आपको मिल जाते हैं बल्ब में, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेंगे। एंड NS के बारे में बात करेंगे तो NS में आपको एक हेलोजन सेटअप मिल जाता है, कहीं पर भी आपको LED का यूज़ नहीं मिलेगा। टर्न सिग्नल्स भी इसमें आपको हेलोजन में ही मिल जाते हैं। एंड मडगार्ड के ऊपर यहाँ पे आपको जो ना एक कार्बन फाइबर का टेक्सचर मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक कंप्लीट ब्लैक कलर जो है ना, वो मैट ब्लैक कलर मिलेगा। बाकी RTR में आपको ओनली सिंगल चैनल ABS मिलता है। एंड आपको NS में जो है ना, वो आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा, मतलब आपको दोनों भी टाइप्स में ABS मिल जाता है। फाइनली दोस्तों, बजाज ने इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS प्रोवाइड कर दिया है। एंड दोस्तों, इसके आप डिस्क ब्रेक्स भी देखोगे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो NS के डिस्क ब्रेक्स है ना, वो आपको रेगुलर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। बट दोस्तों, NS के डिस्क ब्रेक्स थोड़े से बड़े मिलते हैं कंपैरेटिवली RTR 160। बट जो RTR 160 के डिस्क ब्रेक्स है, यहाँ पे आपको पेटल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। एंड यहाँ पे थोड़े से छोटे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको जो ना ग्रामिका कंपनी के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों, इनके टायर्स के बारे में बात करेंगे तो जो RTR के टायर्स है ना, वो आपको मिल जाते हैं। TVS की तरफ से ट्यूबलेस टायर्स आते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसकी टायर साइज है आपको 90x90 सेक्शन की, 17 इंचेस के टायर्स। एंड इसका जो आप एलॉयस का कलर्स भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको रेड कलर के एलॉयस मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। एंड वही हम NS के बारे में भी बात करेंगे तो NS में आपको मिल जाते हैं थोड़े से बड़े टायर्स, थोड़े से चौड़े टायर्स। यहाँ पे आपको 100x80 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं विथ 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स। एंड यहाँ पे टायर्स थोड़े से आपको बड़े मिलते हैं। MRF की तरफ से आते हैं ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी इनके टैंक्स की तरफ आएंगे तो दोनों भी मोटरसाइकिल्स में आपको जो है ना, वो 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। यहाँ पे आपको जो फ्यूल टैंक है ना, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा देखने के लिए, थोड़ा सा आपको बल्कि लुक प्रोवाइड करता है। टैंक के ऊपर आपको ये पल्सर की 3D ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको 200 की बैजिंग भी मिल जाती है। एंड ये न्यू ग्राफिक वर्क आपको मिलता है। यहाँ पे आपको जो है ना रेड एंड जो ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो कि दिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वही हम बात करेंगे अपाचे के बारे में तो अपाचे में भी आपको 12 लीटर्स का ही फ्यूल टैंक मिलेगा। एंड यहाँ पे भी जो फ्यूल टैंक है ना, आपको बहुत सारा एक मस्कुलर लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको हॉर्स का 3D लोगो मिल जाएगा। एंड टैंक के ऊपर आपको जो है ना, ये ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड दोस्तों, इन दोनों मोटरसाइकिल्स के जो है ना माइलेज के बारे में भी बात करूँ तो आपको आराम से जो है ना 35 से लेके 40 की माइलेज इन दोनों भी मोटरसाइकिल्स में सिटी में मिल जाएगी। एंड इसके बाद दोस्तों, इनके सस्पेंशन के बारे में भी बात करेंगे तो जो RTR है ना, उसमें आपको फ्रंट में रेगुलर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। एंड यहाँ पे आपको ये सस्पेंशन गार्ड भी मिल जाएगा। एंड दोस्तों, वही हम NS के सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे तो फाइनली दोस्तों, NS में अभी आपको ये 37mm के USD सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो सस्पेंशन वाइज दोस्तों, NS जो ना वो थोड़ी सी आपको बेटर मिलेगी। बट जो रियर के सस्पेंशन है ना, वो आपको दोनों भी मोटरसाइकिल्स में ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। मोनोशॉक सस्पेंशन आपको रियर में मिलेंगे, जो कि एडजस्टेबल होने वाले। पहले आप NS के सस्पेंशन देख लो। एंड उसके बाद दोस्तों, RTR के सस्पेंशन भी आप देख सकते हो। दोनों भी जो सस्पेंशन है वो आपको रेड कॉइल के साथ आते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेंगे। तो रियर के सस्पेंशन जो है ना, आपको ऑलमोस्ट इक्वल मिलेंगे। एंड अभी दोस्तों, इसकी आप सीट्स भी देख सकते हो। सीट वाइज भी दोस्तों, यहाँ पे आपको RTR में सिंगल पीस सीट मिल जाती है, रेड एंड ये ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये TVS रेसिंग की ब्रांडिंग भी मिल जाएगी। एंड दोस्तों, आप इसके ग्रैब रेल्स भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको ये बैटमैन शेप के ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको ये RTR 164V की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, जो कि एक स्टिकर यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड वही दोस्तों, हम NS 160 की सीट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको जो स्पेस मिलता है ना, वो बहुत बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे आपको राइडर एंड पिलियन के लिए अच्छी खासी स्पेस मिलती है। कुशनिंग क्वालिटी भी यहाँ पे आपको बेटर मिल जाएगी। एंड पीछे में आपको ये डेडिकेटेड ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे NS 160 की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड इनके रियर के टायर्स के बारे में बात करेंगे तो NS में जो है ना, आपको 130/70 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं विथ
17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, बट यहाँ पे आपको ये रेगुलर टायर्स मिल जाते हैं जो कि MRF की तरफ से आते हैं। एंड वही हम बात करेंगे RTR के बारे में, तो RTR में आपको रेडियल टायर्स मिलते हैं पीछे, बाकी टायर साइज जो है आपको सेम मिलेगी। यहाँ पे भी आपको 130/70 R17 से टायर्स मिल जाते हैं, तो थोड़ी सी ग्रिप जो है ना आपको RTR में बेटर मिलेगी। एंड यहाँ पे भी आपको ये रेड कलर के जो अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। एंड इसमें आपको जो ना रियर में ABS नहीं मिलता, उसमें आपको रियर में भी ABS मिलने वाला है। बाकी आप इसका रियर का पोर्शन भी देख सकते हो, रियर में आपको यहाँ पे एक LED टेल लैम्प मिल जाता है, मतलब जो ब्रेक लाइट्स हैं वो आपको LED में मिलेंगी, टर्न सिग्नल्स आपको हेलोजन में मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिलेंगे, छोटी सी एक टेल टाइडी एंड टायर हगर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड अभी मैं आपको NS का रियर लुक दिखा दूँ, तो NS में भी आपको जो है ना एक LED टेल लैम्प ही मिल जाती है। यहाँ पे आपको देख सकते हो ये ब्रेक लाइट्स LED में मिलेंगी, जो टर्न सिग्नल से आपको हेलोजन में मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको ये रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे भी जो टेल टाइड है ना वो थोड़ी सी आपको मॉडर्न मिलती है। एंड टायर हगर दोनों में भी जो है ना टायर हगर आपको बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। एंड इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी गार्ड मिल जाएगा एंड लेडीज फुटरेस्ट भी मिल जाएगा। और दोस्तों इन दोनों भी मोटरसाइकिल्स के इंजन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको दोनों भी मोटरसाइकिल्स में सिंगल सिलेंडर 160cc ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। बट दोस्तों पावर फिगर जो है आपको थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। इस मोटरसाइकिल में आपको मिलती है 17.2 PS की पावर एंड 14.6 Nm ऑफ टॉर्क। एंड नीचे आपको जो है इंजन कॉल भी मिल जाता है जो कि फाइबर में है। एंड यहाँ पे आपको ये किक स्टार्ट भी मिल जाएगा। एंड 5-speed का गियरबॉक्स जो है वो दोनों भी मोटरसाइकिल्स में आपको कॉमन मिलता है। एंड वही हम RTR के बारे में बात करेंगे, तो RTR में आपको जो ना पावर थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आपको 19.2 PS की पावर मिलती है एंड जो ना 14.2 Nm का टॉर्क मिलेगा। एंड यहाँ पे भी आपको ये नीचे इंजन कॉल मिलता है, ये भी फाइबर में मिलेगा। एंड 5-speed का गियरबॉक्स आपको इसमें भी मिलने वाला है। बाकी दोस्तों इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एक मेजर डिफरेंस फील होगा, क्योंकि RTR में आपको एक कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलता है एंड इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी। एंड फीचर वाइज थोड़ा सा ये डिस्प्ले आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको ऊपर एक RPM मीटर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, बीच में आपको जो डॉटमेटिक डिस्प्ले मिलता है ना उसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, क्लॉक, उसके बाद इसमें आपको किलोमीटर्स वगैरह शो करेगा। एंड नीचे की तरफ आपको सारी की सारी जो इंजन की वार्निंग लाइट्स मिलेगी। और NS में जो आपको मिलता है ना वो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा जो RPM मीटर मिलेगा, इस साइड में आपको सारी की सारी इंजन की वार्निंग लाइट्स मिलती है। एंड यहाँ पे एक जो डिजिटल डिस्प्ले मिलता है ना उसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, क्लॉक एंड दोस्तों यहाँ पे भी आपको जो ना एक फ्यूल गेज मिलने वाला है। बाकी दोस्तों इसमें आपको जो है ना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलती है, जो कि ओनली एंड ओनली आपको RTR में मिलेगी। एंड दोस्तों इनका मैं आपको एग्जॉस्ट भी दिखा देता हूँ। इसमें जो है ना आपको RTR में एक साइड माउंटेड एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि आपको जो एक गन की तरह लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। एंड ये जो मेरे पास 2022 वाला वेरिएंट है, तो उसका जो 2023 वाला वेरिएंट में आपको थोड़ा सा बड़ा एंड बल्कि एग्जॉस्ट मिल जाता है। बट वही हम बात करेंगे NS के बारे में, तो NS में आपको ये अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, मतलब ये नीचे के साइड में आपको एग्जॉस्ट मिलेगा। एंड पहले मैं आपको NS के एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ। अभी सुन लेते हैं RTR 200 की एग्जॉस्ट साउंड। RTR में थोड़ी सी बेसी साउंड मिलती है एंड वहीं पे हम बात करेंगे NS के बारे में, तो NS में आपको जो ना थोड़ी सी लाउड एंड ग्रंटी एग्जॉस्ट साउंड मिलेगी। बाकी दोस्तों इनके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भी बात करूँ, तो इसमें आपको जो है ना वो 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आपको 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। एंड इनकी सीट हाइट है ना वो आपको मिल जाती है 108mm की। एक बार मैं इसके ऊपर आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ, तो मेरे जो पैर है ना बहुत ही आराम से नीचे टच हो रहे। मेरी हाइट है 5'7", बट जिसकी हाइट दोस्तों 5'5 या 5'5 के नीचे होगी तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। आप देख सकते हो मेरे पैर जो ना बहुत ही आराम से नीचे टच हो रहे। एंड अभी दोस्तों मैं आपको RTR 160 के ऊपर भी बैठ के दिखा देता हूँ। एंड बाय द वे दोस्तों इसमें आपको मिलती है 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेटर मिलेगी। एंड इसकी जो सीट हाइट है ना वो है 800mm की। एंड यहाँ पे भी मेरे जो पैर है ना बहुत ही आराम से नीचे टच हो रहे, तो ये बाइक के ऊपर जो शॉर्ट राइडर्स होंगे ना वो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ कि आपको इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपको एक थोड़ी सी बड़ी एंड बिग बाइक वाली लुक एंड फील चाहिए, तो आपको जो ना वो NS 160 लेनी चाहिए। बाकी आपको कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल चाहिए, आपको पावर थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, आपको फीचर्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जो ना 164 भी लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको थोड़े से प्रैक्टिकल फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, ये अपसाइड डाउन फोक्स वगैरह मिलेंगे, ड्यूल चैनल ABS मिलेगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी तो आपको जो ना वो NS 160 लेनी चाहिए। और दोस्तों आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल जो ना अच्छी लगी। एंड दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।